हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट डे पर। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे ट्रिपल सी दिसंबर एग्जाम के लिए आपके एडमिट कार्ड कब तक आएंगे और दिसंबर में आपका एग्जाम कब से स्टार्ट हो सकता है। साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि आपको ट्रिपल सी दिसंबर एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है ताकि आप एक अच्छी ग्रेड में अपने एग्जाम को पास कर सकें। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रिपल सी दिसंबर एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड कब तक आ सकते हैं। जैसा आप सभी को पता है, ट्रिपल सी के जो एग्जाम होते हैं वो प्रत्येक मंथ में होते हैं। हर महीने ट्रिपल सी एग्जाम कराए जाते हैं और जिस मंथ में भी ट्रिपल सी का एग्जाम होता है उस मंथ के फर्स्ट वीक में एग्जाम स्टार्ट होता है। प्रथम सप्ताह में आपका एग्जाम स्टार्ट होता है। जैसे कि अगर दिसंबर एग्जाम की बात करें तो दिसंबर में भी आपका प्रथम सप्ताह में ट्रिपल सी का एग्जाम स्टार्ट होगा। ठीक है, आपके जो प्रवेश पत्र होते हैं वो लगभग आपके एग्जाम से 1 वीक पहले आ जाते हैं। 1 सप्ताह पहले आपके प्रवेश पत्र आ जाते हैं आपके एग्जाम डेट से। तो अगर आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम स्टार्ट होता है, यानी कि जो दिसंबर का मंथ है उसमें अगर फर्स्ट वीक में हम बात करें तो, और वहां पर भी लगभग आपका एग्जाम जो होता है वो शनिवार से स्टार्ट होता है, फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ। ठीक है, जो मंथ का पहला सैटरडे होता है वहां से आपका एग्जाम स्टार्ट होता है। तो अगर आप दिसंबर में सैटरडे देखेंगे तो 5 दिसंबर को है, 5 दिसंबर को सैटरडे है, तो आप कह सकते हैं कि 4 या 5 दिसंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है फर्स्ट वीक में दिसंबर के। ठीक है, और अगर 4 या 5 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट होता है तो आपके जो प्रवेश पत्र हैं वो भी लगभग 27, 28, 29 में आ सकते हैं। तो ये मान के चलिए कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो 25 नवंबर के बाद और 30 नवंबर तक कभी भी आ सकते हैं। जैसा मुझे लगता है कि 28, 29, 30 इन 3 दिनों में किसी भी डेट में आपके एग्जाम के जो एडमिट कार्ड हैं वो आ सकते हैं दिसंबर वालों के लिए। ठीक है, 27, 28, 29, 30 इन दिनों में आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो आ सकते हैं। और आपका जो एग्जाम डेट है वो हो सकता है 4 या 5 दिसंबर से। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट सैटरडे है वो 5 दिसंबर को पड़ रहा है, तो 4 या 5 दिसंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे और आपका एग्जाम कब से स्टार्ट होगा। अब बात करते हैं कि दिसंबर एग्जाम के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको कैसे पढ़ाई करनी है आगे ताकि वो एक अच्छी ग्रेड में अपने एग्जाम को पास कर सकें। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, ट्रिपल सी बाई फर्स्ट डी यूट्यूब चैनल पर आपको आना है। और जब आप इस चैनल पर आते हैं तो यहां पर आपको ट्रिपल सी एग्जाम के लिए कई सारे वीडियोज मिलेंगे, कई सारे यहां पर आपको क्लास मिलेंगे। आपको इसमें से क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सवाल रहते हैं कि सर आपके बहुत सारे क्लास हैं इसमें से मुझे अब क्या पढ़ना है। वैसे तो सभी क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो बच्चे दिसंबर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली अभी क्या पढ़ना है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है, अब कम समय में आपको कैसे तैयारी करनी है। तो जब आप चैनल के होम बटन पे आप आएंगे तो यहां पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, आगे आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट में जाना है या फिर आप नीचे ऐसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर भी आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे एक मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, और इस प्लेलिस्ट में आपको यहां पर नजर आ रहा होगा ट्रिपल सी दिसंबर और जनवरी वाले ये सभी क्लास जरूर करें। यानी कि जिन बच्चों का दिसंबर और जनवरी में एग्जाम है उन सभी के लिए ये प्लेलिस्ट जो दी है, इसमें जितने भी क्लास हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। अब इस प्लेलिस्ट में क्या क्या दिया गया है तो देखिए, यहां पर जो आपके नवंबर एग्जाम के लिए क्लास कराए थे वो सारे मिलेंगे, तो आप इनको कंप्लीट पूरा करें। साथ ही साथ यहाँ पर जो लिब्रे ऑफिस के क्लास हैं वो सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो लिब्रे ऑफिस के सभी क्लास आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मॉडल पेपर, लगभग 10 मॉडल पेपर यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आप कंप्लीट करिए। इसके अलावा यहाँ पर ट्रिपल सी एग्जाम के लिए जो फुल फॉर्म है वो स्पेशली यहाँ पर दी गई हैं, आप इनको पढ़ेंगे। और ट्रिपल सी एग्जाम के लिए आपकी जो चैप्टर वाइज एक सीरीज हमने स्टार्ट की थी, आप इस पूरे सीरीज को कंप्लीट करेंगे। इसमें 1 से 9 सभी चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको शामिल किया गया है। कम से कम इतना, ये पूरा स्टडी मटेरियल जो भी मैंने आपको बताया है इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसको कंप्लीट करने के बाद में आज से ही आपके लिए क्लास स्टार्ट है, आप रेगुलर क्लास करेंगे और ये क्लास आपको डेली 8:30 पर मिलेगी। ठीक है, तो डेली 8:30 PM पर जो भी क्लास चले उस क्लास को ज्वाइन करना है, जो भी वहां पर बताया जाए, जो भी पढ़ाया जाए उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा
आप सभी हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहां से आपको काफी बेनिफिट होने वाला है अगर आप मेहनत से और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। इस वेबसाइट पर आकर के पूरा आपको अच्छे से समझना है कि कहां पर क्या मिलेगा। जैसे कि अगर आपको ट्रिपल सी मॉक टेस्ट हिंदी में करने हैं तो आप यहां पर क्लिक करेंगे, इंग्लिश में करने हैं तो आप यहां पर क्लिक करेंगे। बाकी यहां पर ट्रिपल सी के क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट भी कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें आप यहां से कर सकते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ईबुक और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो यहां से मिल सकते हैं। एमसीक्यूज आप यहां से पढ़ सकते हैं, ओल्ड पेपर, ठीक है, वीडियो लेक्चर, शॉर्टकट की जो भी आपको पढ़नी है वो आप यहां से पढ़ सकते हैं और चैप्टर वाइज टेस्ट अगर आपको करने हैं तो यहां से आप कर सकते हैं और आप खुद को चेक कर सकते हैं कि किस चैप्टर से आपकी कमजोरी है और किस चैप्टर से आपको नहीं पता है और किस चैप्टर से आप ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो वो सारे चैप्टर वाइज टेस्ट आपको यहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहां पर कुछ मॉडल पेपर दिए गए हैं, जैसे आप किसी भी मॉडल पेपर को यहां पे क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हो और इस मॉडल पेपर में आपको टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे जिसके लिए 90 मिनट का समय दिया गया है, ठीक है। तो आप इस मॉडल पेपर को कंप्लीट पूरा करिए और खुद को चेक करिए कि इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। यहां पर स्टार्ट क्विज करेंगे और जैसे ही स्टार्ट क्विज करेंगे तो यहां पर आपके सामने पूरा 100 क्वेश्चन की प्लेट आपको नजर आ रही है जिसमें यहां पर आपको टाइम भी दिखेगा, ठीक है। और यहां पे पहला क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन का जो भी सही जवाब है उस पर आपको क्लिक करना है, जो भी यहां पर सही आंसर होगा, और उसके बाद आपको नेक्स्ट करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। ऐसे ही आप सभी क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपने गलत किए होंगे उनके सही जवाब भी आपको मिल जाएंगे, व्यू क्वेश्चन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी बच्चे हमारे जो भी ईबुक हमने बनाए हैं उनको अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, अभी इन पर भी आपको काफी डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसा कि अभी आपको यहां पर दिख रहा है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए जो मास्टर ईबुक है प्लस एक चैप्टर वाइज ईबुक है, इन दोनों को हमने एक साथ शामिल कर दिया है और इन दोनों को आप केवल 99 रुपीज में ले सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा अगर आप केवल मास्टर ईबुक लेना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं, इसमें 1200 प्लस क्वेश्चन है, सभी शॉर्टकट की, लिब्रे ऑफिस और भी जो भी है और सभी फाउंडर्स नेम, यानी कि टोटल स्टडी मटेरियल आपको यहां पे मिल जाएगा और इसको भी आप ले सकते हैं केवल 70 रुपए में। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप केवल चैप्टर वाइज ईबुक लेना चाहते हैं तो इसे भी आप अलग से ले सकते हैं केवल 65 रुपीज में, ठीक है। इन सभी ईबुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जहां से आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी बच्चे का कोई भी सवाल है, कुछ भी पूछना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल एड्रेस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जहां से आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो उसको लाइक करना, शेयर करना और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और आप सभी के लिए क्लास है 8:30 पर, ठीक है, तो आप सभी 8:30 PM पर क्लास जरूर अटेंड करें, वहां पर आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपकी एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।